हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गाइस आपके डिवाइस से कौन सा ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, कैसे आप पता करेंगे, और गाइस अपने हिसाब से किसी ब्लूटूथ को डिसकनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी शानदार सेटिंग है, आप एक बार इसे ज़रूर जान लीजिए। तो गाइस चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं कैसे आप जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने ब्लूटूथ पर टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए अभी ब्लूटूथ हमारा ऑन है और कोई भी डिवाइस यहाँ पर ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो एक ब्लूटूथ यहाँ पर आ चुका है डिवाइस। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर पेयर पर क्लिक करते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पेयर डिवाइस, यहाँ पर देखिए ये वाला कनेक्ट किया है। अगर आप इसे डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आगे सामने की साइड एक आई वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनपेयर पर क्लिक कर देना है। अनपेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए अनपेयर हो रहा है, और ये अभी ब्लूटूथ देखिए हमारे जो डिवाइस से कनेक्ट हुआ था ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। और देखिए अब दूसरा यहाँ पर सर्च हो रहा है। तो अब अगर दूसरे को कनेक्ट करना है तो फिर आपको क्या करना है, फिर से यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करना है। और गाइस देखिए जैसे ही दूसरा डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर फिर से क्लिक करना, रिफ्रेश करके उसका नाम आ जाएगा, या फिर आप ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ब्लूटूथ कनेक्ट होंगे यहाँ पर सभी आ जाएंगे स्कैन होकर। अब आप जिसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना, कनेक्ट हो जाएगा। पेयर पर क्लिक करना, देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।